क्या हुआ जब कबीर साहिब जी ने उदयपुर में प्रकट होकर एक देवी के पुजारी को कहा कि बरवाला हिसार में संत रामपाल जी के स्वरूप में मैं खुद कबीर ही आया हुआ हूँ। द ट्रू स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक द ट्रू स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले रवि प्रकाश मौर्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्हें श्री देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिया करती थी। इसके बावजूद भी भक्त को आत्मिक शांति नहीं मिल पा रही थी, आखिर क्यों? सर जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से इससे अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा था और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। उससे मैं देवी का भगत था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात, तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है, जो कोई बहुत ही ज़बरदस्त है। इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में, तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को एक मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गालियाँ दे रहा था, तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं संत जी को? कि देखो ऐसा संत है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया? कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान तो भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत ही हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था, तो उस देवी को मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा अगर ये कबीर साहब भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नज़र आते थे खुले तौर पर, तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं रात को सोकर सोने के लिए गया, तो बिस्तर पे जैसे ही मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से, तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको? मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे हैं। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण उनका, और वो जिह्वा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा, मैंने कहा उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये दो गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा, ये अगर आप परमात्मा हैं तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है, आप ऐसा करो बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ और आप वहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेज़ी से समय निकल रहा है बेटा, तुरंत चले आप। ये कह के फिर बाद में जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि श्रीदेवी ने मेरे को भेजा है। तो मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा श्रीदेवी कौन है? जब परमाता चले गए मैंने देखा मेरा पूरा शरीर जो है पसीने से भीग गया और आंसुओं से तर हो गया। जब मैं सुबह हल्का सा हूँ सही ढंग से हुआ तो मैंने उस देवी के चित्र की तरफ देखा, मैंने कहा ये श्री देवी है, लक्ष्मी देवी, इसके बारे में परमात्मा ने कहा था। उसके बाद में मैं दूसरे दिन नहीं गया, फिर रात को वापस आया परमात्मा, क्या अरे देर क्यों करता है, जा तुरंत नाम ले। ठीक है, फिर मैंने अपने साथियों से संपर्क किया जो रामपाल जी के भक्त थे, तो उन्होंने कहा हम सत्संग है अपने 10 तारीख को, सत्संग में चलेंगे। ठीक है, मैंने कहा सत्संग में चलेंगे। सत्संग में जब गए तो वहाँ जाके गुरु जी से आशीर्वाद लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो ये तो सबसे पहला मेरा। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति करते हैं और वो भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, तो हम आपसे एक तो ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जो भक्ति साधना कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते आपको क्या क्या परेशानी आ रही थी? आपको कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी थी? अनेक मानसिक परेशानियाँ थी, कभी कोई संतुष्टि मिली नहीं हमें। कितनी ही देवी देवताओं की भक्ति करते हुए, साधना करते हुए, कभी भी मैं संतुष्ट नहीं रहा। सर, क्या क्या परेशानी थी? लाखों रुपए का मैंने धंधा किया, करीब 60-70 लाख रुपया मेरा जीवन में खो गया धंधे के अंदर, बहुत नुकसान हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद में मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे धंधे में बहुत तेज़ी से विघ्न आया, कोई बड़ी पार्टी मेरे धंधे को तोड़ने वाली थी। तो मैंने बड़ा टेंशन में था मैं,
तो रात को 11 बजे स्वयं कबीर साहब तख्त पर विराजमान मेरे को नजर आए। तो मैंने देखा आज ये परमात्मा कैसे आए। सुबह जब मैं उठा देखा अखबार रंग गए उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने मेरे धंधे के प्रति कटुता अपनाई थी। तो सबसे पहले तो ये उस व्यक्ति ने मेरे को हाथ जोड़ कर मेरा धंधा छोड़ दिया और आज मैं संतुष्ट हूँ उससे। उसके बाद में जीवन में मैंने कभी लाखों रुपये का धंधा करते हुए 1 लाख रुपया कभी इकट्ठा देखा नहीं। तो मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई, मैंने कहा परमात्मा मेरे लाखों रुपए मेरे फंसे हुए हैं और मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा हो जाएगा बेटा, तो चिंता न कर। उसके बाद में मेरे को करीब 6 महीने बाद में करीब 11-12 लाख रुपए एक साथ मेरे को एक व्यक्ति ने जो मेरे फंसे हुए थे धंधे में दिए। सर कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई शारीरिक सुख भी हुआ है? क्या पहले कोई शारीरिक परेशानी से पीड़ित थे? हाँ जी, ऐसा है, कभी यूँ तो शारीरिक पीड़ा नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे गले में गांठ हो गई थी। तो मैंने गले की में आवाज़ बंद हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास में गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके गले में श्वसन नली के ऊपर गांठ है। तो मैंने कहा कि कैंसर की है? कि हाँ जी, मैं लगता है आपके गले में कैंसर की गांठ हो गई है, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा। तो मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा अगर आवाज़ नहीं निकल रही थी मुँह से, तो उसने दवाई भी लिखी। मैं घर आया, मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। तो दंडवत करने के बाद में मैंने कहा परमात्मा मैं तो कभी अस्पताल जाऊंगा नहीं और मैं गले में ये ऑपरेट करवाऊंगा नहीं, आपको जो आप ही इसको ठीक करेंगे। तो 2 या 3 दिन बाद में अचानक सुबह जब मैं उठा तो मेरे मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर निकला, गांठ फूट गई थी और निकलता चला गया। तो वहाँ होटल पर बैठा हुआ था मैं, तो उन्होंने होटल वाले ने कहा अरे आपके मुँह से इतना ब्लड निकल रहा है, आप डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने कहा नहीं, अंदर गांठ है वो फूट गई है और मेरी आवाज़ एकदम से खुल गई। आधे घंटे बाद में मैंने आराम से नाश्ता भी किया, चाय भी पी और आज दिन तक मेरी गांठ बिल्कुल गला एकदम स्पष्ट हो गया। सर किस डॉक्टर को आपने दिखाया था आपको जो कैंसर की गांठ थी, वो कौन से हॉस्पिटल में किस डॉक्टर ने आपको बताई? उदयपुर में है सेक्टर 4 परतानी डॉक्टर है, उनको दिखाया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये ऑपरेट करवानी, उसके बाद में मैं गया भी नहीं, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे को। सर देखिए बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत सारा नशा करते थे, क्या आप भी पहले कोई नशा करते थे? नहीं, ऐसा है कि भक्ति में आने से पहले करता था, मैं तंबाकू खाता था। वैसे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ तो शराब वगैरह इन नशों का मेरी आदत नहीं थी, लेकिन तंबाकू जरूर खाता था। लेकिन 16 साल पहले मैंने उसको त्याग दिया था। तो नशे की वजह से तो मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं, और ब्राह्मण कुल में होने की वजह से इन सब चीज़ों से हम दूर थे, और मेरे परिवार के सभी लोगों ने भी संत रामपाल जी महाराज से तुरंत नाम लिया है। सर जिस संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई है, वो संत आज जेल में है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं स्वयं कबीर साहब का ही रूप है, वो एक लीला कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे कोई भी गलत बात हो। संत रामपाल जी महाराज ने विधिवत सबको भक्ति की प्रेरणा दी है और लोग उसको गलत समझते हैं, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि हम बरसों से जिन देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, उन पत्थरों को पूजते आ रहे हैं, तो वो भगवान क्यों नहीं है? जबकि वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को सुनना भी नहीं चाहते, और जो उसको विधिवत सुनता है वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को बहुत पसंद करता है, और सही मार्ग यही है। इसलिए सभी व्यक्तियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी संसार में, भारत में ही नहीं पूरे संसार में, इस भक्ति को ध्यान से सुने और प्रेरणा लेकर इस भक्ति के अंदर तुरंत जुड़े, क्योंकि ये भक्ति वास्तव में सही भक्ति है। और इस संसार में सबसे बड़े भगवान कबीर साहब ही हैं जो स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं और मेरे से खुद बात की है कबीर साहब ने कि हम ही संत रामपाल जी महाराज हैं और तुरंत चले आओ। जी धन्यवाद सत साहिब जी। आप भी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही बुक करें निशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक निशुल्क मंगवाने के लिए अपना पूरा पता पिन कोड के साथ हमें लिखकर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992600893।